एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण आज से हो जाएगा। आरक्षण निर्धारण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 पंचायतों में ये आरक्षण होगा। शहीद स्मारक भवन में आरक्षण की घोषणा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज आरक्षण का ऐलान हो जाएगा। बता दें आपको, सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारी अब तेज कर दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, माननीय भवन मंत्रालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सरकार ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण आज तय हो जाएगा। आरक्षण निर्धारण कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दर्शकों को बता दें, 13 नगर निगम है, 44 नगर पालिका और 111 पंचायतों में आरक्षण आज तय होगा। शहीद स्मारक भवन में आरक्षण की घोषणा की जाएगी। ज्यादा जानकारी भी हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता सत्या राजपूत लाइव जुड़ गए हैं। सत्या, आपसे जानना चाहेंगे, नगरीय निकाय चुनावों के लिए अध्यक्ष के लिए आज आरक्षण का ऐलान किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? जी शिवम, सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, और आज लॉटरी सिस्टम को लेकर आज आरक्षण तय किया जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे पास महापौर प्रमोद दुबे जी हैं, हम उनसे जानते हैं। दुबे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरक्षण कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे प्रदेश के लिए। नगरीय निकाय चुनाव में धारा 1956 में ये व्यवस्था है कि सारे नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के आरक्षण अनिवार्य है संवैधानिक तौर पर। उसमें रोटेशन पद्धति को भी अडॉप्ट किया जाता है कि अगर संभावना व्यक्त की जाती है कि जहां पिछले बार अगर पिछड़ा हुआ है तो इस बार सामान्य हो, लेकिन ये टोटली सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो लॉटरी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आज लगभग 12 बजे ये सारे जो लॉटरी पद्धति से आरक्षण का जो प्रावधान है वो आज कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद लगभग 25 या 28 तारीख के आसपास जो पार्षदों के वार्डों के जो आरक्षण हैं उनका काम किया जाएगा। वर्तमान में आप रायपुर का महापौर हैं, तो यहाँ पे आपसे जायजा ले रहे हैं, आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व की जरूरत किस तरह से? अब योग्यता के आधार पर चयन ही माना जाता है, उसमें सभी जाति वर्ग, धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, सारे लोग योग्य रहते हैं। अब रोटेशन में या जो लॉटरी में जो निकलेगा उसके बाद प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया होगी वो उस आधार पर ही तय होगी। इसलिए संभावना तो कोई भी हो सकती है। रायपुर, जगदलपुर, धमतरी और दुर्ग, ये चार जो नगर निगम है इन चारों के लॉटरी में 3 पिछड़ा वर्ग में होगा और 1 सामान्य होगा। तो वो तीनों लॉटरी निकालने के बाद जो लॉटरी बचेगी वो अपने आप सामान्य सीट मानी जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, और ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होती हैं, इसलिए संभावनाओं पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बात करें लॉटरी सिस्टम की, तो ये कितना जरूरी है लॉटरी सिस्टम, या इसका और कुछ विकल्प हो सकते हैं? नहीं, शुरू से जो पद्धति चल रही है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में ही इसका जो जनप्रतिनिधि होते हैं नगरीय निकाय के चुने हुए लोग, उन्हीं के बीच में इसे निकाला जाता है। और ये संविधान, तो संविधान का कोई अल्टरनेट नहीं होता, इसलिए इसी पद्धति से ही लॉटरी पद्धति ही एकमात्र पद्धति है, इसी में जाना होगा। तो अभी आपने महापौर को सुना, उनका कहना है कि किस तरह से लॉटरी आरक्षण निकाला जाएगा, तो इस तरह आरक्षण के लिए आज पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले में नगर निगम का निकाला जाएगा, उसके बाद सेकेंड चरण में नगर पंचायत का, और थर्ड में नगरीय निकाय के लिए नगर निगम का निकाला जाएगा।
सत्य लॉटरी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा शहीद स्मारक में। जैसा कि महापौर बता रहे, लगभग 12 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर भी अनुमान कितना लगाया जा रहा है, कितना फीसदी आरक्षण अध्यक्ष पदों के लिए हो सकता है? आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितना फीसदी जो आरक्षण है अध्यक्ष पदों के लिए हो सकता है? देखिए, सब में एससी एसटी जो बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ अभी वर्तमान जो जनसंख्या, उस जनसंख्या के आधार पर ये तय होता है कि कौन सी सीट में किस वर्ग के लोग ज्यादा हैं। जो जिस क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं, वहाँ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की पद्धति है। उसी प्रकार से जो 23% ओबीसी की सीट है उसमें किया जाता है, उसी में से जो 18% है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो कुल मिलाकर सारे परसेंटेज तय है, उस परसेंट के आधार पर जनसंख्या को बेस मानकर आरक्षण का नियम बनाया जाता है और उसी आधार पर ही लॉटरी निकाली जाती है। इसमें अगर 23% में ओबीसी है टोटल, तो उसमें 18% जो है वो महिलाओं के लिए उसी में से निकालकर आरक्षित की जाती है और बची हुई जितनी लॉटरी होती है वो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लगभग आती है। तो हमें ऐसा लगता है नगरीय निकाय के जो चुनाव है उसमें 50% का जो रेशियो है वो सामान्य लोगों के लिए रहेगा और बाकी के जो 50% है वो अन्य सभी जातियों के लिए रहेगा। इसमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रहेगा? जैसे 18% जो वो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है, चाहे वो नगर निगम में हो, नगर पालिका में हो, नगर पंचायत में हो, चाहे पार्षदों के लिए हो। तो शिवम, आपने सुना है कि ये आरक्षण वहाँ के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सत्य। इसी बीच वक्त एक ब्रेक।